हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फीलिंग गुड गाइस। तो आज का वीडियो होने वाला है आपकी रिक्वेस्ट पे विंटर वेयर हॉल। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी वो इस विंटर पर्सनली मैंने यूज़ करा है। मैं सब कुछ लाइक जितने भी ओवरकोट और ट्रेंच कोट मैं आपको दिखाऊंगी वो मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने ली है अमेजोन, मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट से। जितने भी प्रोडक्ट्स लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई हॉल स्टोर पर मिलेगी। सो प्रोडक्ट्स लिंक के लिए वहाँ पर क्लिक कीजिए। आज जो मैं विंटर वेयर आपको दिखाऊंगी वो मिक्स हॉल है, लाइक बहुत ज्यादा सर्दियों के लिए कुछ है, कुछ कम सर्दी के लिए है। तब तक ये कोट्स एंड स्ट्रक्स आप आराम से यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। कमेंट में बताना कि कौन सी कोट अच्छी लगी, आपके कमेंट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो कमेंट जरूर से करना। एंड नाउ वी टॉक अबाउट द डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। माई फर्स्ट आइटम इज दिस मरून एंड ब्लैक ओवर कोट। सो लेस डिज़ाइन नी लेंथ ओवर कोट है ये, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल कलर कॉम्बिनेशन के साथ है, मरून एंड ब्लैक। सो ये थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ऐसे लेस काइंड ऑफ ओवर कोट बहुत जल्दी मिलती नहीं है और कलर इतना ज़्यादा ब्यूटिफुल तो बिल्कुल भी नहीं। साइज़ मेरा स्मॉल है, बहुत अच्छी फिटिंग है इसकी। प्राइस वगैरह मैं आपको स्क्रीन के साइड पर दे दूँगी, टू पॉकेट्स के साथ है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँगा इस, तो क्वालिटी इसकी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। सेम ब्रांड से मैंने एक ओवरकोट लास्ट ईयर ब्लैक कलर में ली थी एंड वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई, लाइक बड़े से बड़े ब्रांड में भी इतनी अच्छी क्वालिटी की ओवरकोट मुझे नहीं मिली थी। सो इस ईयर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो आपको इस ब्रांड पे नहीं मिलेगी। सो ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा ब्लैक से हटके, तो ये मैंने ख़रीदा है। इसको मैंने पेयर करा है हाई वेस्ट ट्राउज़र के साथ, जो कि आपको मिंत्रा पे ही मिल जाएगी। लिंक माई हॉल स्टोर पर आप चेक कर लें। एंड इस पर मैंने क्रॉप टॉप पहना है, वो भी मिंत्रा से है। इस पर जो बूट्स मैंने डाला है ये वो फ्लिपकार्ट से है। आपको लिंक सारे माई हॉल स्टोर पे मिल जाएगी। आपको ये ओवरकोट कैसी लगी आप मुझे ज़रूर से बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fills my soul. I wish that you could. माय नेक्स्ट कोट इज़ दिस टैन कलर की, बहुत ही ब्यूटीफुल सी ओवर कोट है। एंड इसका जो कलर है गाइज, इसकी कलर के वजह से मैंने लिया था। मेरे पास ऐसा कुछ टैन कलर में था बट बहुत पुराना हो गया था। तो इसकी जो स्टाइल है जैकेट की, ये बहुत पसंद आई मुझे। सिंगल बटन के साथ है, इस पर आपको बेल्ट मिल रही है, टू पॉकेट्स मिल रही है। इसकी लेंथ आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लेंथ है, लाइक बहुत ज़्यादा सर्दी में ये बहुत सुंदर लगने वाली है। लास्ट वाली भी सर्दियों के लिए परफेक्ट है, ये भी सर्दियों के लिए परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा आपको वार्म नहीं रखेगी बट अभी का जो सीज़न है उसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। ये जो बूट्स मैंने पहने हैं सेम फ्लिपकार्ट से है, 469 रुपीज़ में मुझे मिली है। एंड लास्ट वाले पे मैंने वाइड लेग ट्राउज़र वेयर करा था, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक दे रही थी। एंड इस पे मैंने एंकल लेंथ ट्राउज़र यूज़ करा है प्लाजो, जो मैंने H&M से ली है ऑफलाइन, तो उसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी। स्वेटर, ईयरिंग, बूट्स, जैकेट सब की लिंक आपको माय हॉल स्टोर पे मिल जाएगी। एंड ओपन करके कुछ इस तरीके से लुक दे रही है, बहुत ही ऑसम है। मैं से भी रिकमेंड करूँगी। साइज़ इस पे मेरा मीडियम है, थोड़ी लूज़ हो रही है, तो मैं प्रिफर करूँगी कि अगर आप स्मॉल पहनते हो तो स्मॉल ही लो, उसकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। आपको कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताएँ। The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fills my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complex. माय नेक्स्ट आइटम इज दिस बीच सॉलिड श्रग, जो फ्रंट से ओपन है। फ्रंट पे आपको लॉन्ग दिखेगी, बैक पे थोड़ी सी शॉर्ट है। श्रग काइंड ऑफ इसकी डिज़ाइन है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। इस पे मेरा साइज़ मीडियम है, थोड़ी लूज फिटिंग है इसकी। एंड ये बहुत ही शाइनी मटेरियल वाला श्रग है गाइज, इसे आप डे टाइम में बिल्कुल वेयर नहीं कर सकते हो। उसे किसी पार्टीज़ में, विंटर पार्टीज़ के लिए परफेक्ट है ये। इस पे एक और कलर आपको ब्लैक मिलेगी, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट, इसका कलर मुझे बहुत सुंदर लगा। एंड किसी भी विंटर पार्टी में जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, लाइक ड्रेसेस अच्छी अच्छी होती है बट स्वेटर्स नहीं होती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। सेम बूट्स मैंने वेयर करा है, प्लाजो H&M ऑफलाइन लिया है, इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी। बेल्ट इंडिया ब्रांड से है, इसके अंदर जो स्वेटर पहना है वो मिंत्रा से है, ईयरिंग्स मिंत्रा से है, लिंक आपको सारे माय हॉल स्टोर पे मिल जाएगी। और इस पे मैंने स्वेटर डाला है क्योंकि लाइट काइंड ऑफ स्वेटर है, बहुत ज़्यादा सर्दी पे आपको नहीं बचाएगी, थोड़ी सी वॉर्म रखेगी, तो कम सर्दियों के लिए परफेक्ट है। हाईली रिकमेंड करूँगी। अभी करेंटली आउट ऑफ स्टॉक है बट ये मुझे मिली है 700 रुपीज़ में, जो कि स्टील डील थी। आपको कैसी लगी आप कॉमेंट में मुझे ज़रूर से बताना।
The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. My next dress is this sweater. So same look है इस पर, मैंने शर्ट सिर्फ हटा दिया है, बेल्ट हटा दिया है एंड ईयर रिंग्स चेंज कर लिए हैं. ये मिंत्रा से ये स्वेटर मैंने लिया है. इस पर लार्ज मैंने लिया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी ओवर साइज स्वेटर चाहिए थी इसलिए. बट अगर ये फिटिंग वाली होती तो बहुत उन्हें लगती. हाई लो स्वेटर है ये, लाइक फ्रंट से थोड़ी शॉर्ट है, बैक से थोड़ी लॉन्ग है. तो जब भी आपके पास कोई ऐसी जैकेट होती है जो बहुत ज़्यादा वार्म नहीं रखती है तो उनके लिए ये परफेक्ट है. इस पर जीन्स डाल के आप बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं सब कुछ. स्कर्ट भी बहुत सुंदर लगेगा. सेम बूट्स मैंने रखा है और प्राइस इसका 400 समथिंग रुपीज़ है जो बहुत अच्छे प्राइस में मुझे मिली है. आपको कैसी लगी आप कॉमेंट में बताएँ. एंड ईयरिंग्स बूट्स सबकी लिंक आपको माई हॉल स्टोर पर मिल जाएगी. सेम प्लाजो है जो H&M से है, इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि ये मैंने ऑफलाइन लिया था. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस बीज एंड ब्राउन कलर की कोट जिसकी नी से ऊपर की लेंथ है. बहुत ज़्यादा लंदी नहीं है ये, बट डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा. फ्लावर्स बने हुए ब्राउन कलर में, बीज में बहुत अच्छी लग रही है. इसकी डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट है, बेल्ट वगैरह इस पर नहीं है. एंड इस पर मेरा साइज मीडियम है. ये मैंने अमेजोन से ली है. सेम मैंने इस पर वाइड लेग ट्राउजर डाला है एंड क्रॉप टॉप डाला है जिसका लिंक आपको माई हॉल स्टोर पर मिल जाएगी. ईयरिंग शीन से है, इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी. इस पर मेरा साइज कोट पर मेरा साइज मीडियम है. एंड ये बहुत ज़्यादा लाइक सर्दियों के लिए नहीं है, कम सर्दी के लिए परफेक्ट है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वार्म ये नहीं रखेगी. अंदर से अगर आप कुछ भी स्वेटर वगैरह पहनते हो तो फिर ये बहुत ज़्यादा वार्म रखेगी. इसकी मटेरियल जो है वो मैं बहुत ही आपको क्लोजली दिखा रही हूँ. बहुत सुंदर कोरियन काइंड ऑफ डिज़ाइन है इसकी जैकेट की जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. एंड प्राइस वगैरह आपको स्क्रीन के साइड में मिल जाएगी. ड्यूक ब्रांड की है ये. आई गेस मैंने 2200 रुपीज़ में ली थी ये. इस कलर का मुझे कुछ चाहिए था सूट वगैरह में इसलिए. सो आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं. मुझे पसंद आई, जो इसकी कोरियन स्टाइल है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. माई नेक्स्ट आइटम इज दिस बीच कलर की अगेन कोट जिसकी लेंथ अगेन बहुत अच्छी है. सो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली है 1699 रुपीज़ में, जो कि मुझे लगता है कि 1600 के हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्थ है क्योंकि ये पॉलिस्टर मटेरियल है ना, आपको बहुत ज़्यादा वार्म नहीं रखने वाली है. बट अगर लुक के हिसाब से देखूँ तो लुक के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी लग रही है. ट्रेंच कोट वाली पूरी लुक दे रही है. एंड इस पर मेरी साइज़ मैंने स्मॉल मंगाया जो मुझे स्लीव्स इसकी बहुत मुझे टाइट हो रही है. मुझे अगर मैं मीडियम मंगाती तो ये ज़्यादा कम्फर्टेबल होता. साइड में आपको दो पॉकेट्स मिल रहे हैं. डिज़ाइन इसकी बहुत सुंदर, लेंथ बहुत सुंदर है. जीन्स ये ज़ारा से है, ऑफलाइन लिया है, इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी. टॉप भी मैंने ऑफलाइन मैक्स से लिया था, मैक्स पे सेल चल रही थी तब. एंड ये स्टॉल दिल्ली से लिया था 50 रुपीज़ में. सो टोटल ये जितनी चीज़ें मैंने वेयर करा ऑफलाइन है. बट शूज़ की लिंक आपको मिल जाएगी, वो मिंत्रा से है. ये लुक आपको कैसी लगी, ये जैकेट कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं. ये जैकेट गाइस वन पीस में, लाइक जो फॉरएवर 21 की वन पीसेस होती है ना नी लेंथ वाली, उस पर बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी. राइट नाउ मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने इस पर स्टाइल नहीं करा. बट आप उस तरीके से ज़रूर स्टाइल करें, बहुत सुंदर लगेगी. एंड फेब मंथ के लिए तो परफेक्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा वार्म आपको नहीं रखेगी. सेल अभी बहुत जल्द विंटर वेयर में लगेगी तो उस टाइम आप ज़रूर ये ट्राई कर सकते हैं. माई नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम इज दिस रेड कार्डिगन जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रेड कलर है गाइज. एंड ये कार्डिगन बहुत ज़्यादा वार्म आपको रखेगी. पूरी स्वेटर स्टाइल है, लाइक जैसे स्वेटर होती है बिल्कुल वैसे ही इसका मटेरियल है, सब कुछ वैसा ही है. बहुत ज़्यादा वार्म रखने वाली है. एंड ये मुझे 1500 की फ्लिपकार्ट से मिली है जो कि मुझे लगता है कि वर्थ है क्योंकि जब मैंने इसे वेयर करा तो ये मुझे बहुत वार्म रखी. एंड इस पर 4 बटन्स बने हुए हैं, आप इसे फुल बंद भी कर सकते हैं. मैंने एक बटन लगाई है और एज अ श्रग भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं. लेंथ इसकी जो है वो बहुत अच्छी, मुझे ऐसे लॉन्ग लेंथ वाले स्वेटर जैकेट श्रग्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. एंड इसे आप जीन्स टॉप या वन पीस में भी स्टाइल कर सकते हैं. मैंने इसे सूट
पे डाल के आपको एक जीन्स पे डाल के दिखाया है। मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। The waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. That's it for today's video guys. I hope video पसंद आई हो। एक भी जैकेट, कोट या बूट कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइज।